तो मेरे 14-15 साल के जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आज मेरी जिम के अंदर ये 14-15 साल के जो बच्चे आए हैं मेरे पास जो बैठे हुए हैं ये मेरे से आगे पूछने लगे क्या भैया हम जिम कर सकते हैं, क्या हम वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपकी एज कितनी, उन्होंने बोला कि 14-15 साल की हमारी एज हो चुकी है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी को मैं बोलना और बताना चाहूँगा कि आपकी 14-15 साल की एज ऑलरेडी हो चुकी है, आप बिल्कुल जिम जा सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं। किसी भी वर्कआउट करने से आपकी हाइट नहीं रुकेगी, है ना। और वो बोलते हैं मुझे कि यार भैया हमें अंकल बोलते हैं, वो हमारे पड़ोसी ऐसे बोलते हैं। एक्चुअली में गांव में सारी चीज़ें मिथ बहुत सबसे ज़्यादा गांव के अंदर चलते हैं कि नहीं आप जिम जाओगे तो या अखाड़ा जाओगे या बैठक अगर लगाओगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी एक्सरसाइज एक्टिविटी या कोई फिजिकली एक्टिविटी करने से आपकी हाइट नहीं रुकेगी। ये डिपेंड करता है आपके जींस के ऊपर, आपके पेरेंट्स की हाइट कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कभी भी किसी एक्सरसाइज करने से आपकी हाइट नहीं रुकती है। वो फिर मेरे को बोलने लगे क्या भैया हम वजन उठाएंगे तो हमारी हाइट रुक जाएगी क्या। तो मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि आप चाहे स्क्वाट करें या आप किसी भी वेट ट्रेनिंग अगर करेंगे तो उससे आपकी हाइट नहीं रुकेगी। आप अच्छा वर्कआउट करो, एक अच्छी डाइट लो, प्रॉपर डाइट लो और बिल्कुल डेफिनेटली आपको ऐसा बिल्कुल देखने को मिलेगा कि नहीं हमारी हाइट बढ़ रही है। तो कभी भी ध्यान रखना कि वर्कआउट करने से या किसी भी फिजिकली एक्टिविटी में, चाहे फिर आप अखाड़े जा रहे हो, चाहे आप जिम जा रहे हो, चाहे आप खो खो खेल रहे हो, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, कोई सी भी फिजिकली एक्टिविटी में अगर कर रहे हो, अगर आप हो या इन्वॉल्व हो अगर, तो ध्यान रखना कि ओवरऑल आपकी बॉडी की ग्रोथ ही होगी, आपको फ़ायदा ही मिलेगा, ना कि उसका नुकसान होगा। और ये दिमाग से आपके मिथ हमेशा के लिए निकाल दें कि वर्कआउट करने से, जिम जाने से, अखाड़े जाने से आपकी हाइट रुक जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बढ़िया से एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, फिट रहें और तंदुरुस्त रहें, और आप देखेंगे कि एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी रहती है, आप कितने आप जो खाएंगे उसको कितने अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएंगे, ना आपको पेट में दर्द होगा, ना ज़्यादा बीमार पड़ेगा, आपको इम्यूनिटी लेवल वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप खुद अच्छा फील करेंगे। आप करके देखो और जिम ज्वाइन करके देखो मेरे कहने पर। तो और कुछ क्वेश्चन हो तो बिल्कुल डेफिनेटली आप मुझे बताओ। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।